हेलो एवरीवन, आप सभी को दीक्षिताज ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं आप लोगों का साथ में शेयर करने जा रही हूँ प्याज पकौड़े की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ चार बड़े साइज़ का प्याज लिया है, उसे लंबाई में काट के लिया है। और प्याज के टुकड़ों को मैंने थोड़ा नमक डाल के थोड़े टाइम के लिए ढक के रख दिया था। और मुझे चाहिए धनिया पत्ता और कड़ी पत्ता, जिसको मैंने छोटे छोटे करके काट के लिया है। और मुझे चाहिए कॉर्नफ्लोर, बेसन और राइस फ्लोर। तो चलिए, मैं यहाँ चार प्याज के लिए मैं यहाँ कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ 3 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा। अब मैं ले रही हूँ बेसन। बेसन भी बड़े चम्मच से भर भर कर मैंने 3 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा लिया है। और अभी मुझे चाहिए राइस फ्लोर। तो राइस फ्लोर ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी मैं, 1 चम्मच ही यूज़ करूँगी, क्योंकि ज़्यादा राइस फ्लोर डालने से ये खाने के लिए ज़्यादा ही टाइट हो जाएगा और सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो इसीलिए चावल का पाउडर जो वो कम डालेंगे। और मैं ले रही हूँ यहाँ चिल्ली फ्लेक्स। आप चाहे तो हरी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर, करीब छोटे चम्मच का 1 चम्मच, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। और जो मैंने पहले से काट के रखा था धनिया पत्ता और कड़ी पत्ता, इसे भी डाल दूंगी। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लूंगी। मैंने यहाँ पहले नमक का यूज़ किया है, जो पहले प्याज को जब मैंने कट के रखा था तभी मैंने नमक डाल के रख दिया था। तो इसका वजह से जो प्याज का एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया है। तो मुझे अभी मिक्स करने का टाइम में पानी का ज़रूरत नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा ही नमक यूज़ करूँगी। तो ये मिक्स्ड हो चुका है। अभी मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल गरम कर लिया और जो मिक्सचर था उसको मैं डाल दी हूँ। और ये अभी हो गया है, और जितना बचा है उसको भी इसी तरह मैं फ्राई कर लूँगी। तो रेडी है आज का प्याज पकौड़ा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।